नमस्ते भाइयों और बहनों, आज हम लाए हैं एक कहानी, एक भारत की बेटी की, मराठी मुलगी की, जो सुन नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती, जिसके बावजूद उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया रीजनल ओलंपिक्स में, नेशनल ओलंपिक्स में, और आज वो डिजाइनिंग करती हैं, फैशन डिजाइनिंग की उनको महारत है, बड़े बड़े डिजाइनर्स उनसे और बड़े बड़े सेलेब्रिटीज उनसे अपने कपड़ों के लिए, अपने फैशन की नीड्स के लिए उनके पास कांटेक्ट करते हैं। लेकिन ये कहानी जितनी सरल दिख रही है, जितनी सरल सुनाई दे रही है, उतनी सरल नहीं थी। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आए, बहुत सारे हिंड्रेंसेस आए। न प्रियंका की मां ने हार मानी। दिनकर जी की कुछ लाइनें यहां पे प्रियंका के लिए जो सच बैठती हैं, वो मैं बोलना चाहूंगा। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को लगाते हैं गले, कांटों में राह है बनाते। तो ऐसी कहानी हम लाए हैं प्रियंका धवाडे और उनकी मम्मी की। प्रियंका जी और आपकी माता जी को बहुत बहुत प्रणाम। ईशा जी जो हमारी ट्रांसलेटर हैं, जो साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। तो पहला प्रश्न प्रियंका जी आपसे, अपने बारे में बताएं, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपके बैकग्राउंड में, आपके माता पिता के बारे में बताएं, और आपको ये डिजाइनिंग की रुचि कैसे हुई उसके बारे में बताएं। प्रियंका जी तो प्रियंका जी हमें बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी डिसेबिलिटी के बारे में जब लोगों ने जाना, आपके माता पिता ने जाना, तो उनका क्या एक्सपेक्टेशन थी, उनका क्या रवैया था, आपके रिलेटिव्स का क्या रवैया था, और आप बहुत सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर हैं, तो ये रुचि कहाँ से आई आपको, इसके बारे में बताइए प्रियंका जी। मेरा जन्म मेरा जन्म सांगली में हुआ है, मेरे नाना नानी के पास, लेकिन मैं 3 साल के थी तब पुणे में आ गई। जन्म से ही मैं डेफ हूँ। हाँ, मेरा जन्म सांगली में हुआ है, और जब मैं छोटी थी तब मुझे पहले क्या हुआ वो पता नहीं है, लेकिन जब मैं 3 साल के हो गई थी और बच्चों के साथ खेलने में मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था, तब मैं बच्चों के साथ खेलना छोड़ के मम्मी के पास ही बैठती थी, क्योंकि बाहर जाने में मुझे डर लगता था, लेकिन मैं बता नहीं सकती थी कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। और उसी टाइम मेरे मामा ने उसको समझा कि वो कुछ तो अलग बच्चा है, आप जाके डॉक्टर को दिखा दीजिए। और उसी वक्त, क्योंकि मामा उस वक्त डॉक्टरी सीख रहा था, और वो मेरे पापा को बहुत डरता था कि ऐसे कुछ बोल दिया तो जीजाजी को पसंद नहीं आएगा, और उसने मेरी दूसरी एक बुआ है उसके पास से मैसेज भेजा, और हम लोग गांव में रहते थे तब, तो वहां से हम पुणे आ गए। वो वहां पुणे गांव से 60 किलोमीटर दूर था,
तब जब पहला अढ़ाई साल की बच्ची हो गई थी और बोल नहीं रही थी, लेकिन जब वो छोटा गांव था तो वहां ऐसे सलाह दिया जाता था कि नहीं बच्चे लेट बोलते, कुछ आयुर्वेदिक दवाई करो, कुछ हाँ कुछ भी आप ये करो वो करो, ऐसे भगवान का ये करो, ऐसे बोल के थोड़ा उसमें समय चला गया। और जब मैसेज आ गया मेरी बुआ की तरफ से, तब उसके फ्रेंड डॉक्टर डोंगरे थे, उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ गीली चीजें खाती थी, कभी सीटी की आवाज कुकर की आती थी तब सुनाई देता था, लेकिन जब बात करते तो सुनाई नहीं देती थी, तब वो चुपचाप बैठ लेती थी। और जब हम लोग पूना आ गए और डॉक्टर आनंद पंडित जो पीडियाट्रिशियन है उनको दिखाया, तब केएम हॉस्पिटल में उसका चेकिंग किया और फिर समझा कि उसका डेफनेस है, और तब तक वो 3 साल की हो गई थी। और ये सुन के संभालना खुद को बहुत मुश्किल था। 6 महीने हम दोनों घर के दरवाजे से बाहर नहीं गए थे। ये बात तो प्रियंका को नहीं पता है, लेकिन उसके बाद की जो कहानी है वो खुद बता सकती है, क्योंकि 3 साल के बाद हम लोग पूना हर हफ्ते 2 दिन मंगलवार शुक्रवार को घोड़ेगांव से पूना आते थे स्पीच के लिए। शब्दवेद करके यहाँ से एक सेंटर है, वहाँ पे डॉक्टर कल्याणी मांडके ने बताया था, तो हम लोग फ्राइडे और मंगल को सुबह 6 बजे वहाँ से निकलते थे। पैसे का भी प्रॉब्लम था और बच्ची का ये डेफनेस जब समझा था तो पापा को बहुत उसके बहुत बड़ा शौक बैठा था। वो 6 महीने हमसे बात भी नहीं करते थे कि ऐसे हो ही नहीं सकता, मेरा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता। संभालने के लिए बहुत टाइम लगा, एक्सेप्ट करने के लिए तो उससे ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन सभी मेरे आजू बाजू रहने वाले मेरे रिलेटिव ने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट किया, रिलेटिव्स से ज़्यादा मेरे नेबर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मेरी वहाँ पे एक सांडो सिस्टर थी, उनको बच्चा नहीं था, उन्होंने शादी नहीं की थी, तो वो बोली आपको नहीं चाहिए तो मैं मेरे लिए मैं अडप्ट कर लेती हूँ। और यही सेंटेंस डॉक्टर कल्याणी मांडके, जो पूना नहीं महाराष्ट्र में ही हेयरिंग इम्पैक्ट के लिए सबसे मशहूर है, उन्होंने भी बोला था मुझे 2 बच्चे हैं, तेरे को नहीं चाहिए, तेरा हस्बैंड इतना नाराज है तो वो ले दे के जा, 15 साल के बाद आएगी देखने तो मैं नहीं दूंगी, ये खाली लिख के दे दे। क्योंकि उसकी जो क्वालिटी यानी 3 साल की बच्ची अंडरस्टैंडिंग ही उतना अच्छा था उसका, तो पता नहीं उन्होंने ऐसे बोल दिया था। और उसी टाइम सांडभोर सिस्टर ने मुझे ऐसी लड़की दिखाई थी कि जो डेफ भी थी और पैरालिसिस भी हुआ था उसको, और बहुत सारी क्रिटिकल चीज उसको वो लड़की में देखी थी मैंने। और तभी मैंने सोचा था कि मेरा एजुकेशन मैं बर्बाद नहीं करूँगी, मैं कुछ भी करके मेरी बेटी को उसके पैरों में खड़ा करूँगी। क्या बात। और उसको ये उसकी ज्यादा से ज्यादा तो मुझे उसने ही मुझे ये सब करने के लिए सपोर्ट किया है। क्या बात है। तो कहते हैं कि माँ सर्वप्रथम गुरु होती है, और यहाँ पे शायद प्रियंका की माँ ही सर्वप्रथम गुरु थी, जिन्होंने सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रियंका को आगे बढ़ने का हौसला दिया। सो दूसरा प्रश्न है प्रियंका आपसे, आपकी रुचि डिजाइनिंग फैशन डिजाइनिंग में कैसे बनी और आपने नेशनल ओलंपिक्स के बारे में कैसे जाना? मैं इंटरप्रेट करूं या उनकी मदद करेंगी? हाँ मैं करूंगी। प्रियंका छोटी थी तब से ही उसको हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया था, और उसके डेफ स्कूल में ही उसको जो इंटीग्रेशन स्कूल है वहां पे डाला था, तो 10 बच्चे वहां पे थे और 10 बच्चों में उसका ही हैंडराइटिंग बहुत अच्छा था। सुनाई कम देता था, लेकिन पॉकेट मशीन उस टाइम था, तो वो पॉकेट मशीन का जो इम्पोर्टेंस है
वो उसको बचपन से मैंने मेरे चश्मे के साथ जोड़ दिया था कि जैसे मुझे चश्मा है ना तो मुझे दिखाई कम देता है तो मैं चश्मा पहनती हूँ, तो तू भी, तेरे को सुनाई नहीं देता है ना, तो चश्मे जैसा तेरा मशीन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज वहां पे मैंने उसको लगाई, जो आदत लगाई कि आज तक वो सोते ही वक्त खाली मशीन निकालती है। और बढ़िया से बढ़िया मैं जैसे उसको मशीन लेते गई और उसका एजुकेशन के लिए और उसको सीखने के लिए और स्पीच उसका आने के लिए उसका बहुत अच्छा सपोर्ट हुआ। और यही चीज बच्चे और पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते कि जब उनको समझता है कि बच्चा सुन नहीं पाता है लेकिन मशीन भी नहीं लगाता है, वो उनकी गलती नहीं है, वो सर दुखता है, ओमेटिंग जैसा होता है, बहुत सारी चीजें मशीन से होती है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस अलग तरह तरीके से बच्चों को सिखाया तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि मशीन सपोर्ट करता है, अपने को लगाना जरूरी है। और प्रियंका ने यही बात पहले से एक्सेप्ट की मुझे मशीन जरूरी है, बिना मशीन के मैं बाहर नहीं जाऊंगी ना कुछ करूंगी, और ये आदत आज तक उसको लगाई। इसके लिए उसका स्पीच नॉर्मल, यानी नॉर्मल नहीं लेकिन डेफ बच्चों से ज्यादा अच्छा है, वो बोल भी सकती है, ट्रांसलेटर भी खुद कर सकती है और साइन लैंग्वेज भी अच्छे से आती है। 3 साल की बच्ची थी तब, पहली फर्स्ट स्टैंडर्ड में गई, 5 साल की जब हुई तो उसका ड्राइंग और वो स्क्राफ देख के मैंने छुट्टियों में हर एक महीने की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी उसको एंगेज रखती थी। जरदोसी पहला काम उसने जरदोसी सीखा जब वो 3rd स्टैंडर्ड में थी। 5वीं थी तब उन्होंने मेहंदी और रंगोली, संस्कार भारती की रंगोली हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बनाते हैं, और वो क्लास उसको, और वो इतने अच्छे से कि जो टीचर सिखाती थी उससे बढ़िया उसका काम बनता था। तो उसको भी अंदर से बहुत अच्छा लगता था कि मेरी, मैं जो बनाती हूँ इतनी तारीफ होती है। और वो उसको जब मैंने 7th स्टैंडर्ड में क्लास लगाया ड्राइंग का, तो हाँ ड्राइंग का क्लास लगाया, तब जिस बच्चे ने उसको ड्राइंग सिखाया उसी की वाइफ उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और वो दोनों कलाकार एग्जीबिशंस आज तक पुणे में 9-10 साल से आईटी पार्क और रेगुलर बड़े बड़े एग्जीबिशन में जहाँ उनको फ्री में या कम पैसों में मिल जाता है वो एग्जीबिशन लगा लेते। और वैसे स्टार्ट उसका 3rd स्टैंडर्ड से ही हुआ है, जरदोसी, रंगोली, ड्राइंग क्लास, जीडी आर्ट का क्लास उसने उसी वक्त किया था, और ऐसे ही वो सब करती गई और डेवलप होती गई। आप लोग ओलंपिक्स से, ओलंपिक्स में कैसे आपका, आपको पता चला और नेशनल ओलंपिक्स में और रीजनल ओलंपिक्स के बारे में कैसा पता चला और आपका एक्सपीरियंस कैसा था प्रियंका? 7th स्टैंडर्ड में जब थी वो, तब अक्ते प्रशाला में 8th स्टैंडर्ड में गई, तो वहाँ पे जो बाल कल्याण रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वहाँ से गाड़ी आती थी उसको लेके जाती थी, और उसको वो सेंटर उसको इतना पसंद आया कि मैं भी उसके साथ कभी कभी सैटरडे को छुट्टी रहती थी मैं देखने वहाँ के हर एक, वहाँ पे तो हर एक टाइप का बच्चा रहता है डिसेबल, तो वो देख के मैं उसको यही समझाती कि अरे तेरी डिसेबिलिटी तो बहुत हल्की है, कम है, जिनको मेंटली है कोई पार्शल है कुछ, उनको अलग अलग देख के, या विकलांग जो है वो कुछ नहीं करते, तू तो बहुत सारा कर सकती, ऐसे वो देख के उसको समझा। और उसका वहाँ पे भी क्लासेस चलता था कंप्यूटर का, मिट्टी का, तो उस वक्त, हाँ उस वक्त एक मराठी पिक्चर स्पंदन करके आई थी और विनीता पाटिल वहाँ पे तब जब प्रिंसिपल थी, तब से प्रियंका उनके साथ 10th स्टैंडर्ड से, तो उन्होंने उसी वक्त 10th स्टैंडर्ड वो पास हो गए और सब उसका देख के उन्होंने पहली बार उसको ओलंपिक में सिल्वर, पहले दागिने, हाँ इमिटेशन ज्वेलरी का कंपटीशन में सब पार्टिसिपेट किया। फिर उसका 1 साल बाद हाँ हैदराबाद में, अहमदाबाद में उसको वहाँ पे भी गोल्ड मेडल मिला, लेकिन दिल्ली में वो फाइनल में उसको नहीं मिला। तो बाद में 2 साल उसने डिप्लोमा किया फैशन डिजाइनिंग, और तब तक उनको बाल कल्याण का सपोर्ट तो बिल्कुल था, हमेशा उसको सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए वहाँ पे बुलाते थे,
और फैशन डिजाइनिंग चालू था, तो सुलभा ताई और मिनता पाटिल ने उसको अबैम ओलंपिक में एम्ब्रॉयडरी के लिए चुन लिया। और उसकी तैयारी कहाँ से करनी है, उसका जो काम देख के और एडवांस में क्या करना है, वो सब मिनिता पाटिल ने बता दिया। वैसे वैसे हम करते गए और पूना में पहली टेस्ट हो गई, बाद में हाँ बाद में वो दिल्ली में जब कंपटीशन हुई तब उसको ये पीछे काम जो किया था और जिसने एजुकेशन उसमें ही लिया था और उसका स्किल भी उसमें डेवलप हो गया था, तो वहाँ पे उसका नतीजा आप देख रहे हो कि वो मेहनत से और उसके खुद के एफर्ट से और ये सपोर्ट की वजह से वो वहाँ तक अच्छे से चली गई। क्योंकि हम लोग रास्ता ढूंढते गए, रास्ता मिलता गया और लोग भी अच्छे मिलते गए और प्रियंका ने भी वो सब खुद में लाने की कोशिश की, मेहनत की और आज ये नतीजा निकला कि प्रियंका ओलंपिक में आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आगे की क्या प्लानिंग है प्रियंका आपकी? मॉस्को में आपको जीतना है, भारत की बेटी को, भारत का नाम रोशन करना है, मॉस्को के लिए आप तैयार हो रही हैं, तो आगे 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 कैसी तैयारी है आपकी? वहां तो डिफरेंट कंट्रीज के लोग आएंगे, तो आप जोश में हैं, आप पूरी पूरी तरीके से तैयार हैं? मैं तो आज उसके लिए पूरा तैयारी से, अभी तो वो ड्राइंग क्राफ्ट टीचर भी है एक स्कूल में, ऑनलाइन क्लासेस लेती है बच्चों के फर्स्ट सुस एट, और ये करते करते वो पूरा दिन अपना एम्ब्रॉयडरी का सैंपल, एक दिन ऐसा नहीं जाता कि उसने कुछ सैंपल नहीं बनाया, और वो हर एक सैंपल लीशा मैम, सिमी मैम और मिनिता पाटिल को जो बनाती वो भेज देती है, और वो कहती है कि जब तक ये बीच में तैयारी शुरू हो यानी चलती रहेगी तब तक मैं बनाऊंगी और वहां जाके मैं जीत के ही आऊंगी, मेरी मेहनत तो आपकी लगन, मैं करूंगी करूंगी, मैं इंडिया में जीत के ही लाऊंगी। क्या बात है, तो प्रयास और प्रतिभा दोनों का मिश्रण है ये प्रियंका। प्रियंका जो 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 जिनमें इतनी एनर्जी है कि कोई भी देख करके उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। बहुत 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 इंस्पायरिंग स्टोरी प्रियंका और आपकी माताजी की। मेरा आखिरी प्रश्न आप दोनों से, क्योंकि जब बच्चे में कोई दिव्यांगता होती है तो माँ बाप भी वो दिव्यांगता जीते हैं प्रैक्टिकली, तो क्या एक सटीक मैसेज है हमारे भाई बहनों के लिए, उनके माता पिताओं के लिए, पूरे देश के लिए जो दिव्यांगों को नाकारा समझते हैं और बहुत सारे दिव्यांग जो आशाहीन हो जाते हैं, जिनमें कोई होप नहीं होती, उनके लिए क्या मैसेज है? मुझे कभी शर्म नहीं आई आज तक, और मैं आज तक तो मुझे समझा नहीं, लेकिन बचपन से मैं थोड़ी नाराज थी, लेकिन जब मैं बाहर जाने लगी और ये सब देखने लगी तो मुझे मेरी जिंदगी खुद की, मुझे अपंगों के लिए ही काम करना है और अपंग लोगों के लिए ही सपोर्ट करना है, और जो भी करूंगी वो आगे जाके उनके लिए एक मिसाल बन के रहूंगी। बाकी के लोगों को देख के जो मैंने अभी बोला है, हाँ अपंग ये आप मन से दिल से पहले निकाल दो, काम करते रहो, अपना दिमाग चलाते रहो, मेहनत करके चलो और खुश रहो, तभी ये आज ऐसा नतीजा हो सकता है या कुछ आप पा सकते हो। नॉर्मल और अपंग तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, कितना भी नॉर्मल बच्चा हो लेकिन उसका दिमाग किसी एक में चलता है, लेकिन हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं।
बस यही है कि जो नॉर्मल बच्चों को आगे आगे जाके जो मेडल मिलते हैं या कुछ अच्छे अच्छी स्पर्धा में प्राइजेस मिलते हैं उसका यूज वो खुद के लिए करते हैं, लेकिन मुझे आगे भी जाके आज भी मुझे यही लगता है कि मैं जो भी जीतूंगी वो मेरे हैंडीकैप बच्चों के लिए, उनके काम के लिए कुछ काम करूंगी, ये मेरा गोल है। और आज भी उसके पास तीन चार लड़कियां 6 साल से आती है जो डेफ है, उनको बिना पैसे लेके वो सब सिखाती है, और उनके पास से जो एग्जीबिशन के पैसे आते हैं तो उनका 3 पार्ट करके आज भी 7 साल हो गए, वो तीनों बच्चे हमारे घर में आके, तीनों में से एक थोड़ा ठीक ठाक घर की है, 2 लड़कियां ऐसे है कि कपड़ों से लेके खाने तक हमारे घर में उनका आना जाना और घर जैसे रहना। और पूना के जितने बच्चे डेफ एंड डम है उसके हर एक ग्रुप में प्रियंका है, उसके टीचर ने उसके ऊपर 2-4 किताबों में एक स्टोरीज लिखी है, और उसका खुद के बारे में उन्होंने इसके लिए कैसे मिसाल रही वो उन्होंने भी बता दिया है। इसका मुझे ज्यादा आनंद होता है कि प्रियंका खुद तो खुश रहती है लेकिन आसपास के जो लोग उसके आते हैं ना उसके लिए बहुत खुशी की बात बन जाती है। ईश्वर किस रूप में आता है पता नहीं होता, और शायद साक्षात दुर्गा की रूप में प्रियंका आपके घर में आई है। बिल्कुल, प्रियंका को सितारों से भी ऊपर उठना है, और सितारों की तरीके से सारे सूर्य की तरीके से सबको दिशा दिखानी है, सबका घर उज्जवल करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, आपसे मिलके और आपकी माता जी से मिल करके बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। हमें भी बहुत खुशी हुई प्रियंका के लिए, कोई आगे आने वाला उसको आगे लेने वाला कोई दुआ मिला, इसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरीके से सबको इंस्पिरेशन देते रहे, और मिलेंगे हम एक और कहानी के साथ दोबारा बहुत जल्दी, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।